हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस महामारी के समय में सब इससे बहुत डर रहे हैं वायरस से, कि हम बचे रहें, हम घर पर रहें, हम ये कर लें, हम काढ़ा पी लें, हम उस चीज़ का सेवन कर लें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तीन ऐसी चीज़ें जिनका सेवन अगर आप रोजाना करते हैं तो आप इस वायरस से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ वो सभी चीज़ें तो करनी ही है कि आपने घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना, मास्क पहन कर रखना है दोस्तों। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिनको आपने रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तेज ही रहे। आपकी बॉडी जो है एक शत्रु को मारने के लिए हमेशा तैयार ही रहे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें रोजाना, जैसे कि किसी इंसान को घर से बाहर जाना है, जो जब वो घर से अंदर आता है, मतलब घर के अंदर आता है तो वो क्या करता है, वो सभी जानकारी भी आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक दिन छोड़कर हम एक दिन काढ़ा पीते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला। और ये काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे बनाती हूँ मैं, वो लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी इंसान को घर से बाहर जाना पड़ता है, बाई चांस कोई सामान लेने जो बहुत ज़रूरी है, तो जब भी वो घर पे आता है तो आने के बाद जस्ट बाद सबसे पहले उसको गार्गल करने को कहा जाता है, यानी गरारे करने हैं जो भी इंसान बाहर जाकर अंदर घर के अंदर आ रहा है। गरारे करने से क्या होगा, गला जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जो गरारे हैं वो हल्दी और नमक वाला पानी डालकर ही करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और की जाती है, जाने से पहले भी एक काम किया जाता है, वो मैं थोड़ा भूल गई, वो भी बता देती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले काम क्या किया जाता है, सरसों का तेल लिया जाता है और उसे दोनों नोस्ट्रिल में, दोनों नाक की नोस्ट्रिल में, यानी कि दोनों नासिका के अंदर लगा दिया जाता है बहुत अच्छे से, ताकि वायरस नाक के रास्ते अंदर नहीं जाए। और मुंह के अंदर 3 से 4 लौंग रखे जाते हैं और ये लौंग चबा लिए जाते हैं, हल्के हल्के, अंदर नहीं निकले जाते जब तक वो इंसान घर के बाहर है। जैसे कोई भी मेंबर हमारे घर का बाहर जा रहा है तो वो जब तक घर पे वापस नहीं आता वो लौंग जो है वो मुंह में ही रहते हैं। इस तरीके से मास्क पहनकर घर से बाहर निकला जाता है, घर पर आने के बाद गरारे किए जाते हैं। दोस्तों, ये तरीका हमारे घर में फॉलो किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ आप भी जरूर फॉलो करें और सेफ रहें। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली चीज है बॉडी के अंदर जिंक को पूरा रखना। और जिंक को पूरा रखने के लिए रोजाना आपको एक मुट्ठी मूंगफली रात को भिगो देनी है और सुबह इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में रोज की जिंक की जरूरत पूरी हो जाएगी। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। दूसरी चीज है दोस्तों, आपने रोजाना का 2 आंवला जरूर लेना है। अगर आंवला नहीं मिल पा रहा तो आप 3 से 4 चम्मच आंवला जूस ले लीजिए। आंवला जूस भी नहीं है तो आप आंवले का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच। आप आंवला पाउडर को शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच आंवला पाउडर भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप इसका सेवन कर लीजिए। अगर आपके पास आंवला जूस है तो रोजाना का रोजाना 3 से 4 चम्मच सुबह खाली पेट आंवला जूस का सेवन कर लीजिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और जो आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है वो ज्वाइंट पेन पेशेंट भी ले सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि वो नींबू का सेवन नहीं कर सकते लेकिन वो आंवले वाला विटामिन सी ले सकते हैं। आंवले का विटामिन सी और भी एक खासियत है कि अगर इसे गर्म किया जाए, जैसे पानी को गर्म कर दिया जाए या फिर आंवले को गर्म कर दिया जाए, तो इसका विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, खत्म नहीं होता। लेकिन बाकी जितनी भी चीजों का विटामिन सी होता है, जैसे नींबू का विटामिन सी, नींबू को गर्म कर दिया जाए तो इसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप आंवले को किसी भी रूप में ले सकते हैं, आंवला कैंडी ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं, आंवला पाउडर ले सकते हैं, कैसे भी आंवले का सेवन आप रोजाना जरूर कीजिए। तीसरी चीज है दोस्तों, गर्म पानी। आपने जब भी पानी पीना है गुनगुना ही पानी पीना है। हाँ, मेरे को ये पता है गुनगुना पानी जो होता है ना वो प्यास नहीं बुझाता, लेकिन फिर भी आपने गुनगुना पानी ही पीना है। गुनगुना पानी पीने से गला साफ होता है, रेस्पिरेटिव सिस्टम एक्टिव होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है, जो लंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से पंप करने में मदद मिलती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। ये 3 काम तो आपने करने ही हैं ताकि आपको ये वायरस छू भी ना सके। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।